वो पत्नी आई हमारे पास सवेरे सवेरे, बोली गुरुजी हमारा मन भगवान में लग गया है, ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमारे पति जो हैं अभी तक उनका मन भगवान में नहीं लगा, और वो हमारे पास आते हैं और हमारे पास आकर के वो प्रेम का इजहार करते हैं। हमें तो अब सारे विषय वासनाओं से मन हट चुका है, मन भगवान में लग चुका है, लेकिन हमारे पति देवता का मन अभी तक भगवान में नहीं लगा। हम तो ब्रह्मचारी बन के अब रहना चाहती हैं, पर हमारे पति अभी ब्रह्मचारी नहीं बन पाए, क्या करें। हमें बहुत मन से असंतुष्टि होती है जब हमारे पति हमारे पास काम भाव लेकर आते हैं। हमारा मन बेचैन हो जाता है कि हमारे हृदय में जो कृष्ण है पता नहीं वो निकल कर बाहर ना चले जाएं। ऐसा उस बहन ने मेरे से सवाल किया कि जब पति काम भाव से अपनी पत्नी के पास आता है तो पत्नी को अच्छा नहीं लगता, क्योंकि पत्नी के अंदर भगवत भक्ति जाग गई है, प्रेम जाग गया है। ये सवाल आप में से बहुत लोगों का भी हो सकता है, बहुत पुरुषों का भी हो सकता है, बहुत स्त्रियों का भी हो सकता है, पर चूंकि सवाल बड़ा अटपटा है तो लोगों को पूछने में भी संकोच होता है, इसलिए हम आपको इसका समाधान देते हैं। मैंने उनको ये बात समझाई, बता दिया उनको, शायद यहां बैठी हो तो वो चूंकि ऐसे प्रश्न सवाल माइक में तो वो कर नहीं सकती थी, पर सवाल तो सवाल है, तो हमने उत्तर सोचा कि चलो इस बहाने आपको उत्तर दे दें। प्रश्न समझ में आ गया, अब उत्तर सुनो। हमने उनसे बोला कि आपके पति, आप तो भक्ति में रम गई हो, बहुत अच्छी हो आप, कि आपके हृदय में कृष्ण विराज गए हैं, भक्ति विराज गई है, आपका दिन रात भगवत चिंतन में ही मन लग रहा है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो आपके पति हैं अभी उनका मन विषयों में है, और यदि आपने भी इनकार कर दिया कि आप हमारे पास मत आओ तो आपके पति फिर पराई स्त्री के गामी हो जाएंगे, वो दूसरी स्त्रियों के पास जाने स्टार्ट कर देंगे, वैश्याओं का गमन करने लग जाएंगे, वैश्यागामी हो सकता है इसलिए तुम्हारा पति, इसलिए तुम्हारे अंदर तो कोई वासना है नहीं, लेकिन पति के अंदर यदि है तो पति पत्नी के पास ही तो जाएगा। यदि तुमने भी उसे हटा दिया अपने पास से तो वो वैश्यागामी, उसका चरित्र बिगड़ जाएगा, इसलिए तुम्हारा धर्म है। मीराबाई के साथ भी यही था, बिल्कुल सेम। मीरा का विवाह बचपन में कृष्ण से हो गया था, मान लिया था उन्होंने पति कि मेरे तो पति गिरधर गोपाल हैं, लेकिन फिर भी उनके माँ बाप ने जबरदस्ती उनका विवाह भोजराज से कर दिया जो राणा के बेटे हैं, तो भोजराज राणा के साथ उनका विवाह हुआ। जब उनकी पहली रात आई मिलन की, मीराबाई को बिठाया गया एक कमरे में, सिर्फ दीपक का प्रकाश था, और जो कि रिवाज है घूंघट डाल के मीराबाई को बिठाया गया। तभी रात्रि को पहली रात्रि पहला मिलन जब भोजराज आए तो मीरा ने अपना दुपट्टा अपना मुंह खोलते हुए भोजराज से कहा कि ये दुनिया कहती है कि आप मेरे पति हैं, कि ये दुनिया कहती है कि आप मेरे पति हैं, पर मेरी अंतरात्मा तो कहती है कि मेरे पति केवल कृष्ण हैं, लेकिन मेरे मन पर मेरे प्राणों पर तो कृष्ण का अधिकार है, लेकिन आप व्यवहार जगत में मेरे पति बने हैं, सारी दुनिया तो यही मानती है कि आप मेरे पति हैं, कृष्ण मेरे पति हैं ये तो केवल मैं जानती हूं, मेरे मन की बातें या मैं जानूं या वो जाने, आप तो नहीं जान पाओगे, तो मेरा मन मेरे प्राणों पर मेरे मन पर तो मेरे कृष्ण का अधिकार है, लेकिन आप यदि मुझे अपनी पत्नी मानते हैं तो आपके सामने मेरा शरीर है, यदि मेरे शरीर की भूख है आपको तो मेरे शरीर से आप अपनी भूख मिटा सकते हैं, मैं मना नहीं करूंगी, आप मेरे शरीर से अपनी भूख मिटा लीजिए, लेकिन मेरे मन पर मेरे प्राणों पर तो मेरे गिरधर गोपाल का ही वश है, कब्जा है। तो इस बात से यह सिद्ध होता है कि यदि आपका पति कामुक है तो फिर आपका धर्म है कि आप अपने पति को भी धीरे धीरे सत्संग से जोड़ें, कथाओं से जोड़ें, धीरे धीरे उसके मन को भी बदलें और उसका साथ दें। आप यदि सोचेंगे कि मैं तो भक्ति में रमी हूं, अब मेरे पति जो मेरे साथ रमण करेंगे तो वो गलत है, वो गलत नहीं है, आपका धर्म है कि आप अपने पति को खुश रखें। राजा परीक्षित ने कहा, मुझे ये बताइए कि भगवान ने वराह अवतार कैसे ग्रहण किया। सुखदेव जी कहते हैं, राजा दक्ष की कन्या दिति अपने पति कश्यप ऋषि के पास संतान की कामना से जाती है। शाम का समय था, पति ने कहा यह पूजा पाठ का समय है, हर चीज के लिए एक समय दिया गया है, ये समय सही नहीं है। वो जिद करने लगी तो बिना मन से उन्होंने उनकी इच्छा की पूर्ति कर दी।
नहा स्नान करके वो फिर से पूजा में लग गई। पत्नी ने सोचा, पति नाराज हो गए, उनके पास जाती है। उसने कहा, मैंने जो किया आपके लिए ही किया, आपका वंश आगे बढ़ेगा, आपकी संतान होगी, आप जैसी तेजस्वी होगी। उन्होंने कहा, नहीं, गलत समय में किया हुआ कार्य गलत परिणाम देता है। कैसे गलत? बोले, तुम्हारे पुत्र होंगे और एक नहीं दो जुड़वा पुत्र होंगे, पर महादुष्ट होंगे। और दुष्ट भी कैसे? राक्षसों में उनकी गिनती की जाए, दैत्य होंगे तुम्हारे। कौन चाहेगा उनके बच्चे राक्षस निकले? वो रोने लग गई। वो कहती, मैंने कोई गलत इच्छा से कोई काम नहीं किया था, मुझे सिर्फ संतान चाहिए थी, अपनी गलती मानती। तब उन्होंने कहा, देखो इसको तो नहीं टाल सकते, बच्चे तो ऐसे ही होंगे तुम्हारे, पुत्र तो, लेकिन जो पौत्र होगा तुम्हारे वो भगवान का परम लाडला होगा। उस छोटे से बालक का नाम बड़े बड़े भक्तों में लिया जाएगा, और वो कौन था? प्रहलाद। तिथि के पौत्र हुए थे प्रहलाद, तो पुत्र कौन हुए? हिरणाक्ष और हिरणकश्यप। अब देखिए, क्योंकि सुनने में ये बातें अजीब लगती है पर समय अलग है। जब गर्भ धारण करते हैं तो कितने समय के लिए गर्भ धारण करते हैं? 9 महीने। दिति ने 100 वर्षों के लिए गर्भ धारण किया। और बालक जब हुए तो विचित्र अस्त्र शस्त्र लिए पैदा हुए, और पैदा होते ही विशाल रूप को धारण करते हैं, राक्षस पैदा हुए हैं। अब यहां पर सुखदेव जी से पूछते हैं राजा परीक्षित कि ये ऐसे विचित्र क्यों हुए और ये कौन है असल में? तब सुखदेव जी कहते हैं कि ये और कोई नहीं, भगवान के द्वारपाल हैं, जय और विजय। क्यों? एक बार भगवान आराम कर रहे थे, सनकादि ऋषि आते हैं, उनको कुछ जरूरी काम था भगवान से, उन्होंने द्वारपालों से कहा कि भगवान को बुला दीजिए। उन्होंने कहा, वो आराम कर रहे हैं। अरे बोले, मुझे बहुत जरूरी काम है, आप उनसे कहिए कि हम आए हैं, अगर वो कह देंगे जाने के लिए तो हम चले जाएंगे। जय विजय कहते हैं, समय देखते नहीं हो, कभी भी आ जाते हो। उनका निरादर करते हैं, निरादर करते हैं तो उनको क्रोध आता है। क्रोध में आकर उन्होंने श्राप दिया कि जिस बात का तुम्हें घमंड है कि तुम भगवान के इतने करीब हो, मैं उसी घमंड को तोड़ता हूं, श्राप देता हूं कि 7 जन्मों तक तुम भगवान से दूर चले जाओ। श्राप सुन के तो वो डर गए, बहुत रोते हैं, बहुत माफिया मांगी, बहुत क्षमा याचना की। तब वो कहते हैं कि श्राप को टाल नहीं सकता पर कम कर सकता हूं, 7 जन्म की जगह 3 जन्म हो सकते हैं, लेकिन 3 जन्म में तुम्हें भगवान से ऐसी दुश्मनी लेनी पड़ेगी, इतनी दुश्मनी कि भगवान को तुम्हारे लिए अवतार लेना पड़े। तब इनके जो 3 जन्म हुए थे, वो एक था हिरण हिरणकश्यप भाई भाई बनके, दूसरा जन्म था रावण और कुंभकर्ण, और तीसरा था शिशुपाल और दंतवक्र। ये 3 जन्म हुए थे जब ये तीनों ने भगवान से अत्यंत दुश्मनी ली है। तो यहां पर 2 पुत्र हुए, हिरणाक्ष और हिरणकश्यप। हिरणाक्ष होते हैं वो समुद्र की विशालता देखते हैं और उसको युद्ध के लिए ललकारते हैं। समुद्र ने कहा, मुझसे युद्ध मत करो, मेरे तल पर पृथ्वी रखी है, इसको लेने कोई आएगा, उसको पता था भगवान ही आएंगे, उसने कहा उनसे युद्ध कर लेना। ठीक है, वो पृथ्वी के पास जाकर बैठ गया। अब यहां पर ब्रह्मा जी ने अभी तक रचना का कार्य शुरू नहीं किया था, धीरे धीरे रचना का कार्य शुरू कर रहे हैं। अब उनको लग रहा है कि रचना तो कर दूं पर उनको रखूंगा कहां, तो भगवान का ध्यान करते हैं और ब्रह्मा जी के नासिका से भगवान ने छोटे से वराह का अवतार लिया और वो सीधा समुद्र में जाते हैं। समुद्र से पृथ्वी को अपने मुख के ऊपर रख कर लेकर आ रहे हैं, बीच में हिरणाक्ष आता है। उसने कहा, पृथ्वी ले जाना है तो मुझसे युद्ध करना पड़ेगा। भगवान और उसके बीच युद्ध होता है, भयानक युद्ध होता है, और भगवान उसका उद्धार करते हैं और पृथ्वी को अपने साथ ऊपर लेकर। मान लो पत्नी है और पति है, अब इनका कर्तव्य है पति को अनुकूल रखना, उसकी सेवा। अब उसका कर्तव्य है पत्नी की कामनाओं की पूर्ति करते हुए दुलार करना, क्योंकि वो शरणागत है, एक तरह से पूर्ण समर्पित है, अपने परिवार को त्याग कर तुम्हारा आश्रय लिए। जब हम अपने कर्तव्य को करेंगे और वो अपने कर्तव्य को नहीं करेगा, तो हमारे हृदय में ये आकांक्षा होगी कि मैं इनकी पत्नी हूं, इनका कर्तव्य है ये करें, वही दुख होगा। और ये है कि ठीक है आपको जैसा मन आवे वैसा करो, लेकिन मेरा जो कर्तव्य है मैं उसको करूंगी, तो उससे वहां क्या होगा उसका मतलब नहीं, लेकिन भगवान आपके हृदय को शीतल करके और एक अच्छी ऐसे मार्ग में पहुंचा देंगे जहां कोई दुख सुख आपका स्पर्श नहीं करेगा। हम दुखी तब होते हैं जब हम चाहते हैं कि इनका कर्तव्य यह है, ये हमारे लिए कर्तव्य क्यों नहीं करते।
हम तो अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हैं, पर ये अपने कर्तव्य का पालन नहीं करते, तब हमें दुख होता है। और जब हमें ये होता है कि मुझे अपने कर्तव्य का पालन करना है, तो एक दिन वो टूटेगा। हम आपको प्यार कर रहे हैं तो आप हमें प्यार कीजिए, अगर हम आपको ऐसा करते तो आप हमारे साथ ऐसा कीजिए, अगर ऐसा नहीं करते हैं तो फिर आप हमारे विरोध के पात्र बन जाएंगे। इसी का नाम संसार है। ये परहित नहीं है, ये कर्तव्य नहीं है, ये अच्छाई नहीं है, ये अहंकार का खेल है। अंतर की बात यहां अध्यात्म की सूक्ष्म बात होती है। व्यवहार में तो कि भाई करना चाहिए ना, पर हमें चाहिए कि अगर वो विपरीत चल रहा है तो मेरे किसी कर्म का पूर्णतया त्याग कराया जा रहा है, उसका नाश किया जा रहा है, और हम अपने कर्तव्य से चल रहे, इसलिए हमारी उन्नति निश्चित होगी, भगवत मार्ग निश्चित पुष्ट होगा। पर कोई सत्संगी ही बात सह सकता है, अन्यथा प्रायः ऐसा रहता है कि हम करते हैं तो आपको भी हमसे प्यार करना चाहिए, हम आपके सामने झुकते हैं तो थोड़ा तो आपको भी। ये संसार में चलेगा, परमार्थ में नहीं चलेगा। परमार्थ में कि हम आपको प्यार करेंगे, आप हमें गाली दीजिए, आप हमारा अपमान कीजिए, मैं अपनी निष्ठा से नहीं डिगूंगा और एक दिन आपको अपने अनुकूल बना के दिखाऊंगा। भूल करती तो अभी तो धोखा है, अपने तो प्रभु है और वो कभी धोखा कर नहीं सकते। आपने प्रभु को अपना नहीं माना ना, तो देखो भूल कर ही ना, और वो कभी धोखा देते नहीं, प्रभु कभी नहीं धोखा देते, नहीं देते। अभी उनको उनका परिचय आपको मिला नहीं, इसलिए वो कभी धोखा, वो सत्य है, वो सच्चिदानंद है, और यहां कोई प्यार नहीं करता, सब धोखा है। तुम्हारा रूप जब तक है ना, तब तक तुम्हारा प्यार है, तुम्हारा शरीर जब तक है तब तक प्यार है, तुम्हारे पास रुपया जब तक है ना तब तक प्यार है। जिस दिन ये तीनों हट जाएंगे ना, रुपया और रूप और सब तुम्हारी योग्यता, उसे कोई पूछेगा नहीं कि तुम कौन हो, कहाँ के हो, कैसे हो, वो देखेगा भी नहीं, चाहे पुत्र हो। तो इसीलिए तो समझा रहे सब संत महात्मा, जन के होश में हो जाओ, एकमात्र साथी भगवान है, अगर उससे तुमने प्यार नहीं किया तो यहाँ कोई प्यार करने वाला नहीं, यहाँ सब नाटक चल रहा है। तो इसलिए हमें तो लगता है कि ड्रामे का खेल चल रहा है माया का, तो इस ड्रामे से बचने की कोशिश की जाए। भगवान को अपने जीवन में मिलाओ, उनको अपना साथी बनाओ और फिर निकल जाओ इस माया समुद्र से। यहाँ कोई सहयोगी देने सहयोगी नहीं है। नहीं, हम कोई नई बात नहीं करें, आप रोज घटना सुन रहे हो। संसार के लोग नैमिषे सूतमासीनम अभिमाग महामतिम आदि प्रश्न। फिर प्रश्न क्या है? हे प्रभु, आपका जो ज्ञान है वो अंधकार रूपी तिमिर का नाश करने के लिए सूर्य के समान है। कोटि सूर्य समप्रभ सूताक्षाई कथा सारम मम कर्ण रसायन। हमारे श्रवण रंध्रों को जो रसायन चाहिए, जो रस चाहिए, वो श्रवण जिससे सुनकर आनंदित प्रफुल्लित उल्लासित हो सके। कथा नहीं, कथा का सार। ये भागवत भगवान की कथा नहीं है, ये भागवत भगवान की कथाओं का सार है। सर्व वेदांत सारम ही, वेदों का सार है, पुराणों का सार है, ये निचोड़ है, ये सभी वेद और पुराणों का रस है भागवत। कलयुग के लोग नीरस न हो जाएं, इसलिए भागवत का ये रस प्रदान करने के लिए, भगवान की शरणागति प्रदान करने के लिए संतों ने, व्यास जी ने मम कर्ण रसायन। हमारे श्रवण रंध्रों को जो रसायन चाहिए, जो रस चाहिए, वो श्रवण जिससे सुनकर आनंदित प्रफुल्लित उल्लासित हो सके। कथा नहीं, कथा का सार। ये भागवत भगवान की कथा नहीं है, ये भागवत भगवान की कथाओं का सार है।